गुजरात के नर्मदा में भारतीय जनता पार्टी के आदिवासी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी थी, इसके अंदर केंद्रीय आदिजाति राज्य मंत्री हमारे साथ है, उन्हीं से बात करते हैं। विश्वेश्वर कुल्लू जी, खास करके ये जो बैठक थी इसमें आप शरीक होने आए थे, खासतौर पर धर्मांतरण के ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए, ये तो एक षडयंत्र है, जैसे कि 2014 से लेकर आज तक जिस तरह जनजाति समाज भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, इसीलिए वो जो अराष्ट्र शक्ति है, मतलब मिसाइल ग्रुप जो है, वो लोग ये ऐसे भ्रमित कर रहा है। अभी भी उन लोग का वही पुराना जो जारी रहता है कि कुछ लालच दिखा के, ऐसे भी कुछ उन लोग का एजेंट है, वो लोग को सैलरी देते हैं, जैसे LIC एजेंट है, एक पुलिस आप कर देंगे तो इतना आपको देंगे, इसी तरह ये भी एक आदमी को आप कन्वर्ट कर देंगे तो आपको इतना मिलेगा, इसके साथ साथ साल में आपको बोनस भी मिलेगा और मंथली सैलरी भी है। देखिए, आदिवासी लोग बहुत इनोसेंट है, वो एक बार किसी को कोई भी चीज़ बोल दिया तो दूसरे टाइम उसको नहीं बोलेंगे, कोई भी समस्या लेके, हेल्थ का हो, एजुकेशन का हो, ड्रिंकिंग वाटर का, तो ये मौका की फ़ायदा वो कभी कभी ले लेते हैं और बहुत झूठ मूठ के बोल के भी वो कर लेते हैं। लेकिन इसका ऊपर सरकार ने पूरा ध्यान दिया है और कुछ का उससे वंचित किया जाएगा। तो ये कानून जो लाया जाएगा इसकी किस तरह की तैयारी है, खासतौर पे क्या ये बिल राज्यसभा और लोकसभा में कब लाया जाएगा और किस तरह के आपके मंत्रालय की किस तरह की तैयारियां ये पूरे बिल को लेके? नहीं, अभी तक तो इसका ऊपर कोई विशेष रूप से चर्चा नहीं हुआ है, ये तो कई एक दो महीना हो गया ये मैंने प्रोसीजर में आया है, जब ये देश भर में ये राष्ट्रपति तक आ जाएगा, इसके ऊपर फिर चर्चा होके फिर इसका ऊपर बिल को कब लाया जाएगा, वो कैबिनेट में आएगा, फिर इसके बाद हाउस में आएगा, दोनों हाउस में आएगा, ये तो थोड़ा लंबा टाइम लगेगा, लेकिन अभी तक तो इसका ऊपर ठोस कोई चर्चा नहीं हुआ है। तो कानून क्या लाए कि केंद्र सरकार इस मामले को लेके कि जो आदिवासी है जिनको धर्मांतरण करते हैं उनको, आदिवासियों को खासतौर पर रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिला, क्या इस तरह का कानून केंद्र सरकार लाएगी? नहीं, बिल्कुल, जब ये सारा देश भर में ये ग्रीवेंस आता है, दरखास्त आता है कि ये सब ऐसे होता है, तो इसका ऊपर बिल्कुल ये कानून आएगा और जो जिसको वो लाभ मिलता है उसको लाभ नहीं मिलेगा, एक तो वापस आ जाएंगे, नहीं तो उधर जाएंगे तो उसका वो रिजर्वेशन कट। दूसरे आप बात ने की कि आदिवासियों को अपनी लैंग्वेज के साथ साथ अंग्रेजी भी सीखनी चाहिए, क्या कहेंगे इसके बारे में? नहीं, बिल्कुल, अभी जैसे एडवांस हो गया है कोई भी काम पे, जितना भी जो प्राइवेट सेक्टर आ गया है बहुत सारी, इसमें आपको इंग्लिश का बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए लोकल लैंग्वेज के साथ साथ अंग्रेजी कैसे उसका टैलेंट बढ़े, राइटिंग कैपेसिटी, स्पीकिंग कैपेसिटी, इसलिए देश के प्रधानमंत्री आदिवासियों के लिए सारा भारतवर्ष में 700 एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल करने के लिए जा रहा है, शायद बहुत सारे स्टेट में आपका 100% भूमि पूजन भी हो गया, कहीं कहीं ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन 2023 एंड तक ये कंप्लीट होगा, 2024-25 जो एकेडमिक ईयर है उसी टाइम में बच्चे लोग एक एक स्कूल में 250 बॉयज और 250 गर्ल्स एक साथ एडमिशन लेंगे, वहाँ अच्छा कंप्यूटर लैब रहेगा, उनका किताब फ्री है, ड्रेस फ्री है, खाने के लिए फ्री है, अच्छा प्लेग्राउंड भी रहेगा, ये बहुत बड़ा परिकल्पना है, शायद इस ये कंप्लीट हो जाएगा तो धीरे 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 ट्राइबल बच्चे लोगों का जो एजुकेशन का क्वालिटी भी बढ़ेगा, और आप जो बोल रहे हैं कि इंग्लिश का, ये तो इंग्लिश मीडियम का ही होगा ना, CBSE पैटर्न का, इसलिए उनका स्टैंडर्ड भी बढ़ेगा और बाकी आगे जो कंपटीशन सब है ऑल इंडिया लेवल में, लोकल में तो जो होगा स्टेट लेवल में, लेकिन ऑल इंडिया बेसिस में जो कॉम्पिटिशन आएगा उसमें उन लोग को अच्छा लाभ मिलेगा। तो ये थे केंद्रीय मंत्री विश्वेश्वर जी, जिन्होंने कहा है कि आदिवासी समाज को अब अपनी भाषा के साथ साथ अंग्रेजी भी सीखनी चाहिए, साथ में उसमें धर्मांतरण मुद्दे के ऊपर भी बात की कि सरकार ऐसा कानून लाएगी कि जो आदिवासी है धर्मांतरण करते हैं उनको आदिवासियों का जो रिजर्वेशन का लाभ है वो नहीं मिल पाएगा। फिलहाल के तौर पे अभी इस मुद्दे को लेकर चर्चा है, लेकिन सरकार अब इसी पक्ष में है कि आने वाले दिनों में जो लोग धर्मांतरण करते हैं खासतौर पे आदिवासी, उनको आने वाले दिनों में आदिवासियों का लाभ नहीं मिलेगा। नरेंद्र पेपरवाला, नर्मदा।